जिंदगी में ज्यादातर असफल लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पता ही नहीं होता कि जिस वक्त उन्होंने उस काम को छोड़ा था उस वक्त वो सफलता के कितने करीब थे। दोस्तों, हिंदी दर्पण में आज हम बात करने जा रहे हैं उस साइंटिस्ट के बारे में जिसके आविष्कारों के बिना दुनिया वैसी बिल्कुल ना होती जैसी आज दिखती है। रात होते ही जो रोशनी हमारे चारों तरफ दिखाई देती है उसकी तकनीक विकसित करने वाले बिजली के बल्ब के आविष्कारक थे थॉमस एल्वा एडिसन। उन्होंने दुनिया की पहली इंडस्ट्रियल रिसर्च लैब बनाई थी। इसके अलावा उन्होंने और भी महत्वपूर्ण आविष्कार किए थे जैसे मोशन कैमरा और फोनोग्राफ जिसमें आवाज रिकॉर्ड की जा सकती थी। उनके नाम पे 1093 पेटेंट्स थे। तो चलिए दोस्तों, इनके बारे में शुरू से जानते हैं कि कभी ट्रेन में अखबार और सब्जियां बेचने वाले एडिसन इतने बड़े साइंटिस्ट कैसे बने। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, थॉमस एल्वा एडिसन का जन्म अमेरिका के एक राज्य ओहियो के एक गांव मिलान में 11 फरवरी 1847 को हुआ था। वो अपने माँ बाप के सातवें और सबसे छोटे बच्चे थे। एडिसन को ज्यादातर शिक्षा उनकी माँ ने ही दी थी और वो स्कूल सिर्फ कुछ ही महीने गए थे। बचपन में उन्हें एक बीमारी के कारण बुखार हुआ जिसके बाद उनके सुनने की शक्ति कम होती गई और बाद में बहुत कम हो गई। आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि वो बचपन में ट्रेन में अखबार और सब्जियां बेचा करते थे। स्टेशन पर ही उन्होंने एक 3 साल के बच्चे की जान बचाई जिसके पिता स्टेशन एजेंट थे। वो इनसे इतने खुश हुए कि उन्होंने एडिसन को रेलवे में टेलीग्राफ ऑपरेटर की नौकरी दे दी। नौकरी के साथ साथ वो समय निकालकर पढ़ाई और एक्सपेरिमेंट्स भी किया करते थे। 19 साल की उम्र में उन्होंने वो नौकरी छोड़ दी और फिर वेस्टर्न यूनियन कंपनी में नौकरी कर ली जहां वो जानबूझकर नाइट शिफ्ट लिए ताकि नौकरी के साथ साथ वो अपनी पढ़ाई और शोध कर सकें। मगर एक दिन वो पकड़े गए और उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। इसके बाद वो एंटरप्रेन्योर बन गए और उन्होंने एक एक करके 14 कंपनियां खोली जिसमें से एक कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक आज के समय में दुनिया की सबसे बड़ी पब्लिक लिस्टेड कंपनियों में से एक है। 25 दिसंबर 1871 को उन्होंने मैरी स्टिलवेल से शादी कर ली जिससे उनके 3 बच्चे थे। मगर 13 साल बाद 1884 में उनकी पत्नी की मौत हो गई जिसका कारण ब्रेन ट्यूमर माना जाता है। हालांकि इसकी पुष्टि पूरी तरह नहीं हो पाई है। 1886 में उन्होंने मीना मिलर से दूसरी शादी की, उससे भी उनके 3 बच्चे हुए। वैसे तो उन्होंने अपना रिसर्चर का सफर 1869 में शुरू किया जब उन्हें पहला पेटेंट मिला था, मगर पहली खोज जिसने उन्हें बहुत लोकप्रियता दिलाई वो थी 1877 में बनी फोनोग्राफ जिससे आप किसी की आवाज रिकॉर्ड कर सकते हैं, जिसे आजकल रिकॉर्डर के नाम से जाना जाता है। उस जमाने में ये इतनी नई खोज थी कि लोगों को लगता था कि ये कोई जादू है। इस आविष्कार ने उन्हें बहुत मशहूर बना दिया और वो मेनलो पार्क के जादूगर के नाम से जाने जाने लगे क्योंकि मेनलो पार्क में ही 1876 में उन्होंने अपनी रिसर्च लैब बनाई थी। 1878 से उन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने की सोच के साथ शोध शुरू किया। उस समय गैस या तेल के बनाए लैंप चलन में थे। अक्टूबर 1879 को बल्ब का पहला सफल टेस्ट हुआ जो लगभग 13.5 घंटे चला। नवंबर में उन्हें इसका भी पेटेंट मिल गया। पेटेंट मिलने के बाद भी वो डिजाइन में सुधार करते रहे और कुछ महीनों के बाद एक ऐसा बल्ब बना दिया जो 1200 घंटे तक चल सकता था। 31 दिसंबर 1879 को मेनलो पार्क में लोगों को बल्ब दिखाते हुए उन्होंने कहा था कि वो इसको इतना सस्ता बना देंगे कि सिर्फ अमीर लोगों के घर में ही कैंडल जलेगी। मोशन कैमरा या जिसे आप वीडियो कैमरा कह सकते हैं उसका पेटेंट भी एडिसन के ही नाम पर है। हालांकि उस पर उन्होंने थोड़ा ही काम किया था और उनकी लैब में उनके एम्प्लॉय डिक्सन ने सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे। उसे काइनेटोग्राफ नाम दिया गया था। 1891 में एडिसन ने काइनेटोस्कोप का आविष्कार किया जिसमें एक आदमी झांक कर वीडियो को देख सकता था। इसके बाद छोटी छोटी फिल्में बनाई जाने लगी और एडिसन फिल्म स्टूडियो ने लगभग 1200 शॉर्ट फिल्में बनाई। दोस्तों, निकोला टेस्ला की बायोग्राफी में मैंने आपको बताया था कि कैसे उन्होंने अपने पेटेंट से मिले पैसे खुद की रिसर्च में खर्च कर दिए और वो रोज 17 घंटे काम किया करते थे। काम में कोई दिक्कत ना आए इसलिए उन्होंने शादी भी नहीं की। एडिसन ने हार्ड वर्क तो किया ही पर स्मार्ट वर्क भी बहुत किया। जैसा कि अब तक आप समझ ही गए होंगे, उन्होंने एक लैब बनाकर बहुत से साइंटिस्ट को नौकरी दी। इसके अलावा उन्होंने कई कंपनियां खोली और हर तरफ से प्रॉफिट कमाने की तरकीब निकाली।
और कई तरह के सामान बेचे, जैसे बल्ब और बल्ब लगाने के सामान, टेलीग्राफ, रबड़ इत्यादि। उन्होंने फिल्म स्टूडियो भी खोला। इसके अलावा उन्होंने बैटरी और माइनिंग के लिए भी कंपनी खोली, जिसके कारण वो साइंटिस्ट के साथ साथ एक अच्छे बिजनेसमैन भी माने जाते हैं। उन्होंने एक बार कहा था कि अगर हम वो सारी चीजें कर लें जिसकी हमारे अंदर क्षमता है, तो हम अपने आप से आश्चर्यचकित हो जाएंगे। दोस्तों, अवार्ड और सम्मान तो उन्हें अब भी मिल रहे हैं, जैसे 2010 में उन्हें टेक्निकल ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। बुढ़ापे में उन्हें डायबिटीज की शिकायत हो गई थी और 18 अक्टूबर 1931 को उनकी मृत्यु हो गई, मगर जो उजाला उन्होंने दुनिया को दिया उसके कारण वो अमर हो गए। दोस्तों, अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आ रहा हो तो ऐसी ही और बायोग्राफीज और सक्सेस स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल हिंदी दर्पण को ये बटन दबाकर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपके छोटे से प्रयास से हमें प्रोत्साहन मिलता है।